डेजर्ट ईगल एक ऐसा शॉर्ट गन या लॉन्ग रेंज का गन है, या मिड रेंज का भी गन बोल सकते हो, जिससे ओपी ओपी हेडशॉट लगता है। और अगर तुमको इस गन का इस्तेमाल करना आ गया तो तुम अकेले एक स्क्वाड को वाइप आउट कर सकते हो, इतना ओपी गन है। इस गन के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज में, तीनों में किस तरह से आप हेडशॉट मार सकते हो, क्योंकि तुम लोग का हेडशॉट तो नहीं लगता। बहुत सारे बंदों का लॉन्ग रेंज में हेडशॉट लग जाता है, लेकिन जब रेंज की बात आती है तो तुम लोग बहुत गंदे वाला मार खाते। मेरे अकॉर्डिंग 90% फ्री फायर प्लेयर लॉन्ग रेंज में अच्छे खासे हेडशॉट मार लेते हैं, लेकिन जब शॉर्ट रेंज की बात आती है तो उनसे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल मार खाते हैं, हेडशॉट से उनका कनेक्ट ही नहीं होता है और वो कंफ्यूज रहते हैं, भाई मैं कैसे मारूं, लॉन्ग रेंज से मैं लग जाता है, लेकिन जब शॉर्ट रेंज की बात आती है तो तुम लोगों का एकदम हेडशॉट नहीं लगता। मैं इस टॉपिक को आज क्लियर कर दूंगा, कि तुम लोगों का हेडशॉट जो है बहुत सुधर जाए, शॉर्ट रेंज में तुम चिपका के हेडशॉट मार सकते हो। इस तरह का मैं ट्रिक बताऊंगा, एकदम बिल्कुल नया वाला। उससे पहले अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए और मेरा वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। मेरा चैनल बिल्कुल नया है, ना ही मेरे चैनल में सब्सक्राइबर है, ना ही ज्यादा व्यू आ रहा। तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं एक अच्छा माइक लूंगा और अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड करूंगा। तुम लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करो और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताओ और ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि मैं तुम लोगों के लिए और अच्छी मेहनत करके और ज्यादा मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रेंज में किस तरह से हेडशॉट मारना है, इस टॉपिक पे मैं तुम लोगों को दो ट्रिक सिखाऊंगा कि किस तरह से तुम लोगों को शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारना है। तो पहला ट्रिक है सिटअप वन शॉट। सिटअप वन शॉट को तुम लोग शॉर्ट में पागल M10 का हेडशॉट बोल सकते हो। पागल M10 ने ही इस शॉट को इंडिया में फेमस किया है, वो ही इस शॉट को बहुत अच्छा से इस्तेमाल करता है, तुम लोग उसके चैनल में जाके देख सकते हो। चलो मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। देखो मैं किस तरह से मार रहा हूँ, सिट करके हेडशॉट मार दे रहा हूँ। देखो ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह मैं मार रहा हूँ, देख लो। इसे मारने का सिंपल ट्रिक है कि तुम लोगों को बैठना है पहले, फिर वाइट को एम करना है, पैरों के नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद फायर करके क्विक स्विच बटन दबा कर रन करना है, इससे तुम्हारा मोमेंट भी अच्छा होगा और तुम्हारा हेडशॉट भी लगेगा। लेकिन ख्याल रखना, ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट करना है, अगर तुम लोग स्लो प्रोसेस करोगे तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगेगा और पास वाला एनिमी जो है वो तुम्हें मार के चला जाएगा। बंदे कहेंगे कि भाई हमें सिटअप हेडशॉट नहीं मारना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत मुश्किल है, पहले बैठो, वाइटिंग करो, फिर फायर करो, क्विक करो, रन करो, ये सब मेरे से नहीं होगा। तो भाई मैं उन लोगों के लिए एकदम शॉर्ट फॉर्म वाला ला रहा हूँ हेडशॉट, जो तुम लोग जो है दौड़ते दौड़ते खड़े खड़े हेडशॉट मार सकते हो, बिल्कुल ओपी वाला हेडशॉट। तो देखो उस हेडशॉट को कैसे मारना है उस बारे में मैं बताता हूँ। ये जो हेडशॉट ट्रिक है ये बहुत सिंपल है, ये अगले हेडशॉट की तरह नहीं है कि बैठो फिर खड़ा हो, वाइट एम करो, हेडशॉट मारो, उसके बाद तुम लोग रन करो, ये उससे बहुत सिंपल है। चलो इसी बात पे एक लाइक और शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो ये हेडशॉट मारना बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ तुम लोगों का किस तरह से मारना है। तो पहले तुम लोगों को रन करना है, उसके बाद जंप करना है, और उसके बाद जो एम को जो तुम लोगों को वाइट ही रखना है और तुम लोगों को सीधा ड्रैग मार देना है, तुम्हारा हेडशॉट लग जाएगा। मैंने तो तुम लोगों को दो ट्रिक बता दिया कि किस तरह से हेड मारना है, लेकिन तुम लोग यह गलती करोगे कि तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा और डायरेक्ट जाके गेम में इस्तेमाल करोगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, पहले जाके ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, आधा एक घंटा ट्रेनिंग खेलो, एक दो दिन खेलोगे ना तुम लोग अच्छा से एम को बैठाना सीख जाओगे, किस तरह से हेडशॉट मारना है वो समझ जाओगे। तो तुम लोग जाके पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिससे तुम्हारा जो है हेडशॉट बिल्कुल नहीं लगता, तुम लोग ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हो फिर भी तुम्हारा हेडशॉट नहीं लगता, इसी मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो पहला मिस्टेक है कि तुम्हारा ओवर ड्रैग, या फिर तुम लोग स्काई ड्रैग बोल सकते हो, तुम लोग जो है ओवर ड्रैग या स्काई ड्रैग मार देते हो। और तुम लोग ऐसा इसलिए करते हो कि तुम लोगों का सेंसिविटी जो है वो सही नहीं रहता और तुम लोगों का एमिंग पोजीशन जो है वो गलत रहता है। देखो हमेशा जो है एनिमी के पैरों के थोड़ा सा नीचे ही वाइट एम रखना है, अगर एकदम अपने पैरों के नीचे वाइट एम मत करके फायर करना, इस तरह मारोगे तो तुम्हारा जो है ओवर ड्रैग चला जाएगा। और तुम्हारे सेंसिविटी को जो है एकदम 100 पर रखा करो, ठीक है, 100 पर रखा करोगे और सभी तुम लोग 100 में रखना है, जनरल से रेड डॉट लेकर 2x 4x सब 100 पर रखो, जिससे तुम्हारा जो है मोमेंट स्पीड भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा हेडशॉट लगने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, इसीलिए इस मिस्टेक को सुधार लेना। और तुम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, जिसमें फायर बटन का साइज और ओवर ड्रैग के बारे में सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से तुम लोग सेंसिटिविटी रखोगे, अपना फायर बटन का साइज क्या रखोगे, जिससे तुम्हारा जो है हेडशॉट अच्छा लगे और तुम ओवर ड्रैग ना मारो। देखो आज का वीडियो में तो मैंने दोनों टॉपिक को कवर कर दिया कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में किस तरह से तुम डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मार सकते हो। अगर मुझसे कुछ
छूट गया होगा तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह बात मुझे कमेंट में बताओ यार, ताकि मैं तुम लोगों के लिए वीडियो लाऊं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यार सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी तो मेरे चैनल ग्रो करेगा यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।